के भी सारे पार्ट्स मिलेंगे आपको और गाय के भी सारे पार्ट्स मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। क्या आपने कभी खरगोश का बाल भी उखाया है? मौसम सरमा इख्तिताम पर है और इस इख्तिताम पर उछलते कूदते खरगोशों का बाल भी मिल जाए तो बात ही कुछ और है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहरे कायद के इलाके लांडी एक नंबर पर, जहाँ पे बिलाल रजा बारबेक्यू बना रहे हैं अपने चटपटे अंदाज से खरगोश का बारबेक्यू, जिसकी धूम पूरे शहरे कायद में मची हुई है और मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं खरगोश का बारबेक्यू खाने के लिए। आइए चल के पूछते हैं कि कैसे ये आइडिया आया और खरगोश कहाँ से मिल रहे हैं और कैसे पकड़े जा रहे हैं ये खरगोश। हमारे साथ मौजूद है हुनैन रजा, जो के बारबेक्यू कर रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से इनका जो अंदाज है वही बहुत निराला है। किस तरीके से खरगोश को ग्रिल करते हैं और इनके पास बटेर भी मौजूद है, फिश आइटम्स भी मौजूद हैं, चिकन भी मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि इनमें जो मसाले डाले जा रहे हैं वो कौन से हैं, इनके अपने बने हुए हैं या बाहर से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर ये बताएं कि जो मसाले डाल रहे हैं वो घर के बने हुए हैं या बाहर से लेते? भाई हमारे अपने घर के बने हुए। अच्छा ये बताएं कि अभी हमने क्या क्या लगाया हुआ है? भाई अभी जो यहाँ लगाया हुआ वो खरगोश है, बटेर है, बाकी दुम्बे की चक्की है, नमकीन बोटी है और व्हाइट कुन है, ब्लैक कुन है और लॉबस्टर झींगा है। अच्छा लॉबस्टर झींगे भी हैं? हाँ लॉबस्टर झींगा भी है, बाकी ऑर्डर पे बत्तख भी आती है। अच्छा एक दिन पहले उसका ऑर्डर देना होता है और बत्तख भी आती है ऑर्डर पे एक दिन पहले। अच्छा हुनैन ये बताएं कि ये जो खरगोश है उसका जायका क्या, मतलब आम गोशों की तरह होता है या मुनफरिद होता है? नहीं डिफरेंट है उससे। पब्लिक डिमांड क्या है सबसे ज्यादा? पब्लिक डिमांड हमारी इसकी अभी जो चल रही है खरगोश, बाकी नॉर्मल में चलती है हमारी डिमांड जो मलाई बोटी या अफगानी बोटी और दुम्बे की चक्की है, बाकी खरगोश है और बटेर है और मलाई बोटी है। और इसके प्राइस क्या है? प्राइस भाई एक नहीं होते, जैसा रेट पीछे से मिलता है वैसा प्राइस देते हैं। इसके अभी जो प्राइस चल रहे हैं 600 और 700 वाले, बाकी 500 वाले भी होते हैं। खरगोश की प्राइस? हाँ खरगोश की प्राइस है भाई 600-700 वाले। 600-700 रुपए में एक पूरा खरगोश मिल जाता है? हाफ पीस, हाफ पीस, हाफ पीस, बाकी कुल जो है 1200 और 1400 वाले होते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल रजा बारबेक्यू के ऑनर अहमद रजा, उनसे पूछे हैं कि बारबेक्यू कितने टाइम से स्टार्ट किया और खरगोश के बारबेक्यू का आइडिया कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बिलाल रजा नाम क्यों रखा? बिलाल रजा तो हमारे भाई का नाम है, छोटा भाई है हमारा, इसलिए बिलाल रजा बारबेक्यू नाम रखा इसका। एंड सी फूड। ठीक है सर, ये बताएं कि कितने अरसे से ये बारबेक्यू आप सेल आउट कर रहे हैं? भाई इसको 28 साल हो गए, हमारे वालिद साहब लगाते थे, अभी 18 साल हो गए हमें, हम लगा रहे हैं वैसे, हमारे वालिद साहब लगाते हैं, 28 साल हो गए। सर ये बताएं कि खरगोश की बारबेक्यू का आइडिया कैसे आया दिमाग में? खरगोश जो है बारबेक्यू का जो है हमारी ख्वाहिश थी, लांडी कोरंगी में तो कहीं मिलता नहीं था खरगोश, हमने कुछ सोचा कोई यूनिक चीज लगाएं, यूनिक चीज लगाई है हमने, खरगोश, बटेर, दुम्बे की चक्की, दुम्बा नमकीन बोटी और ड्रम स्टिक, बाजू, गर्दन, कोटे, दिल, कलेजी, मुर्गी के भी सारे पार्ट्स मिलेंगे आपको और गाय के भी सारे पार्ट्स मिलेंगे, दुम्बे का आइटम भी मिलेगा और सी फूड भी मिलेगा, लॉबस्टर झींगा भी मिलेगा। हमें 28 साल हो गए, हमारे 28 आइटम है, 29 साल हो जाएंगे, 29 आइटम हो जाएंगे। 2022 का आइटम आया लॉबस्टर, ये 2022 का आइटम आया लॉबस्टर है और 29 साल होंगे तो 29 आइटम हो जाएंगे। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि बिलाल रजा बारबेक्यू का कौन सा आइटम ट्राई किया? अभी हमने खरगोश मंगाया था, अफगानी बोटी मंगाई थी और हमारा प्रॉन मंगाने का इरादा है। अब इरादा है प्रॉन का। अच्छा ये बताएं खरगोश कैसा लगा, जायका कैसा है? आमतौर पर जो बारबेक्यू होती है वो चिकन, मटन और बीफ की होती है, इसका जायका कैसा है? इसका जायका थोड़ा डिफरेंट था, देखने में तो चिकन जैसा लग रहा था लेकिन जायका डिफरेंट था, डिफरेंट था, मजेदार था या बस नॉर्मल है? मजेदार था, मजेदार था। अच्छा बताएं कि रेट्स में क्या कमेंट करेंगे कि रेट्स मुनासिब हैं, ज्यादा हैं या कम है? नहीं रेट सही है, आम आदमी की जेब को हिट कर रहा है। ठीक है हिट कर रहा है। अच्छा कौन से इलाके से हैं शहर का? मैं मलीर से आ रहा हूँ।
मलीर से आ रहे हैं। पूछता आ रहा हूँ, इस चौरंगी उस चौरंगी उस चौरंगी पता चलते कर रहे पहुँचे गया तक। और सारे आइटम इनके माशाल्लाह से एक से एक होता है, और एक से एक आइटम है। अभी जो है हम यहाँ पे खरगोश लेने आए, करके फरमाइश घर वालों ने बोला कि अच्छा खरगोश आपने पहले कभी खाया है या फर्स्ट टाइम ट्राई कर? फर्स्ट टाइम ट्राई कर। क्या उम्मीद लगा के ले जा रहे हो, कैसा जायका होगा? इंशाल्लाह जो है लेके जाएंगे, इंशाल्लाह सुने बहुत अच्छा जायका है इसका। खरगोश का बारबेक्यू तैयार करने वाले नौजवानों का कहना है कि हम अपने तमाम डिशेस के अंदर अपने ही तैयार करदा मसाले इस्तेमाल करते हैं, बस यही वजह है कि हमारे जायके लाजवाब है। इसी के साथ अपने मेजबान को दें इजाजत, देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।